पवन सिंह खेसारी, ये दोनों भोजपुरी के ऐसे नाम हैं जिन पे कंपटीशन कभी खत्म नहीं हो सकता। वैसे आपको बता दें कि होली के सॉन्ग को लेकर पवन और खेसारी के फैंस के बीच जंग छिड़ गई है। हाँ, खेसारी ने पहले ही होली का सॉन्ग रिलीज़ किया है सभी स्टार्स से पहले, तो उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर मिला है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का गाना भतीजवा का मौसी जिंदाबाद यूट्यूब के म्यूज़िक ट्रेंडिंग में सेकंड नंबर पे चल रहा है, यानी कि पूरे इंडिया में इस गाने को सेकंड नंबर पे रखा गया है। फर्स्ट नंबर पर हेलो कौन है। खैर, हम आपको और आगे क्या बताने वाले हैं, आगे ये बताने वाले हैं कि भाई भले ही पवन सिंह के गाने को थोड़े कम व्यूज़ आए हैं, लेकिन जो भी ये गाना देख रहा है सभी पवन की तारीफ़ कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि पवन ने इस बार एक नया पहल किया है, वो HD में तो वीडियो लेकर आए ही आए हैं, साथ ही साथ वीडियो में कोई भी वल्गैरिटी नहीं है, वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत हेलो कौन से इंस्पायर है, फ़ोन पे बातें चल रही हैं जीजा और साली की, तो भाई आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्पायर चीज़ें हमेशा वर्कआउट करती हैं। आपको बता दें कि खेसारी के गाने के व्यूज़ अच्छे हैं और पवन के गाने के व्यूज़ थोड़े कम हैं, लेकिन पवन का गाना रिलीज़ हुए ही कितना दिन हुआ है। आप अगर देखेंगे खेसारी के गाने के रिलीज़ को और पवन के गाने के रिलीज़ को, तो भाई बहुत ही अंतर है। यहाँ पर आपको बता दें कि खेसारी के गानों पर जो लगातार चोरी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, इससे पवन के गाने बचे हुए हैं, यानी पवन के गानों पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा हुआ है। और लगातार खेसारी इस विवाद में हमेशा पड़ते नज़र आते हैं, लेकिन पवन सिंह नहीं। आपको ये बता दें कि अगर पवन के फैंस लगातार उनके वीडियोस को इसी तरह देखते रहें, तो हो सकता है कि व्यूज़ में पवन सिंह आगे निकल जाए। और अगर आप पवन सिंह के फ़ैन हैं तो भाई देखिए, और अगर आप खेसारी के फैंस हैं तो उनके वीडियोस को देखिए। जिसके वीडियो को ज़्यादा देखा जाएगा, भाई इस बार की होली उसी के गानों से मनेगी। ये आपको डिसाइड करना है कि इस बार होली का रंग किसके गानों से रंगेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।